हेलो दोस्तों, हर एरिया का अलग अलग डिश होता है। तो हमारे इलाहाबादी में बहुत ही डिलीशियस टिक्की चाट मिलता है, जो कि इस तरीके से मिलता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से टिक्की चाट बनाते हैं अपने इलाहाबादी तरीके से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, चेकआउट माई वीडियो। तो नीलू स्वीट किचन पर ढेर सारी वीडियो पड़ी है, चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर आलू मैंने उबाल लिया है, उबाल के दोस्तों अच्छे से छील लिया है। यानी कि ये देखिए, मैंने तीन आलू की सिर्फ टिक्की बना रही हूँ। और क्योंकि टिक्की है ना, तो आप जितनी आपकी फैमिली हो उतना आप बना सकते हो। फिलहाल मैं तीन प्लेट बनाऊंगी, तीन आलू में तीन प्लेट आराम से बन जाएंगे टिक्की। तो ये देखिए, मैंने आलू को छीलकर अच्छे से मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद डायरेक्ट अब जाएगा इसमें मसाले कुछ, जो कि इसकी चार चांद लगा देंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब मसाले में क्या क्या डालते हैं हम। सबसे पहले डालेंगे दोस्तों, और हाँ एक बात और, आप लोग कमेंट नहीं करते और लाइक तो भूल ही जाते हैं। तो सबसे पहले अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, एक चम्मच भर के। यानी दो बार डाला, आधा आधा एक चम्मच हो गया। और उसके बाद जाएगा दोस्तों इसमें सारे मसाले, जो कि सबसे पहले मैंने जीरा पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर, आप चाहे तो डाल सकते हैं धनिया पाउडर, आधा आधा चम्मच मैं सब डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च मैं घर पे ही बनाई थी, तो वो आधा चम्मच, आधा चम्मच आप कोई भी फ्लेवर के टिक्की मसाले या छोले मसाले भी डाल सकते हैं आप। आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने डाला है नमक, ये स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, सारे सारे डालने के बाद आप मैश कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद डालूँगी मैं एक स्पाइसी सी चटनी, जो कि टमाटर और मिर्ची से हमने बनाया है। ये दोस्तों बहुत ही डिलीशियस चटनी लगती है, तो आप एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा। तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, तो यहाँ पे मैंने वही टमाटर और मिर्ची, लाल मिर्च की चटनी डाल दी। इससे एकदम स्वाद फ्लेवर मतलब एकदम चेंज हो जाता है। और चटनी मैंने कैसे बनाया है, बस डायरेक्ट मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला है। डालने के बाद जब एकदम अच्छे से पक जाए ना, फिर मैंने उसमें टमाटर कट कट के डाला है और मिर्ची, और उसके बाद अच्छे से मैश करके और फिर नमक डाल दिया है और दो तीन चम्मच पानी, बस इतना ही आपको डालना है। और बढ़िया से पका लेना है, बस आपकी चटनी स्पेशल रेडी। तो दोस्तों, ये सारे मैंने मैश कर दिया है। और आपको लगता है कोई मसाला डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो। तो फिलहाल मेरे इलाहाबाद में इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसकी एकदम चिपटे आकार के सेब दे रही हूँ, आप वड़े भी बना सकते हो गोले गोले। तो ऐसे आपको टिक्की बना लेना है, वो सिर्फ ऐसे आलू की टिक्की बनाते, इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि पूछिए मत। क्योंकि उसके ऊपर जो चाट बना देते हैं ना, वही सब फ्लेवर। और दोस्तों, मैं सिर्फ एक चम्मच ऑयल से ये टिक्की सेकूँगी, चाहे आठ हो टिक्की या दस हो या पंद्रह हो, सिर्फ एक चम्मच ऑयल से। मतलब आठ टिक्की में एक चम्मच ऑयल से ही सेकूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है, अब इसी में मैं अपना टिक्की सेक लूँगी तवे पे। ये तवे पे मैं बना रही हूँ टिक्की, क्योंकि तवे पे ही ये टिक्की बनती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे रखा, फिर दो तीन मिनट तक वेट किया धीमे पे आँच पे। उसके बाद फिर मैं पलट ले रही हूँ। देखिए कितनी ब्राउन हुई है ना, एकदम गोल्डन ब्राउन, यानी पक चुकी है ऊपर से अच्छे से, बहुत करारा एकदम लेयर आ जाता है। तो समझ लीजिए आपकी टिक्की एकदम पक चुकी है। आलू तो पहले से ही पकी हुई है, मसाला सिर्फ खुशबू आना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, सारा मैं ऐसे एक एक करके पलट ले रही हूँ। और आराम से ये काम करना है आपको, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई नहीं कर रहे हैं तेल में, मैंने सिर्फ एक चम्मच तेल में। जैसे किसी को तेल अगर चाहते हैं कि नहीं खाऊं तो क्या करें, खाना ही बंद कर दें, टिक्की वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे ना, लेकिन उसको थोड़ा कम करके खाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से सीख जाएंगे। आपने देखा मैंने एक ही चम्मच तेल लिया था। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको अलटते पलटते हुए एकदम करारा कर लेना है। और करारा करने के बाद दोस्तों, मतलब पूरा टिक्की पकाने में पूरा पाँच मिनट मेरे लग गए थे, पाँच से छः मिनट, और एकदम करारा हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, एकदम करारा हो चुके हैं। चलिए, हो गया काम इसके ख़त्म। अब चलिए चाट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चाट मैंने कैसे तैयारी की है। ये मैंने रखा है दो दो टिक्की, तो मेरे एकदम करारे से पहले मैं इस टिक्की को एकदम प्रेस कर दी हूँ ऐसे चम्मच से ही, और ताकि ऐसे चिपटा हो जाए, ताकि चाट बनाएंगे ना तो इसके अंदर तक जाए। तो यहाँ पे सब दो दो टिक्की मैं दुनिया में कर दे रही हूँ, क्योंकि बना रही हूँ मैं इलाहाबादी टिक्की, तो ऐसे वो दुनिया में देते हैं, इसीलिए मैंने भी दुनिया ले लिया है। तो इस तरीके से इसको प्रेस करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों, जाएंगे इसकी स्पाइसी सी कुछ
अच्छी अच्छी मसाले और चीज़ें। ये देखिए दोस्तों वही चटनी है, हल्का सा मैंने जो पतला था वही मैंने लिया है मिर्ची और टमाटर के। आप इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक चम्मच मैंने चटनी डाला है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ दोस्तों इसमें, ये देखिए अब दही, मैंने दही को फेंट करके ले लिया है। यहाँ पर पहले दही डालूँगी। इलाहाबाद में कहीं भी आप खाएँगे टिक्की चाट कोई भी, तो बिना दही के वो आपको देते ही नहीं है। दही तो डालना उनका, कुछ भी आप बनवाएंगे ना ठेले पे तो वो दही तो डालेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए दही वाली टिक्की नहीं है, लेकिन इस तरीके से टिक्की वहाँ पे मिलते ही हैं। या कुंभ वगैरह में कोई गया होगा खाया होगा ना, तो प्लीज़ बताइएगा कहाँ से आप लोग हैं। तो उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर प्याज, और प्याज डालने के बाद ना फिर उसके बाद अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हरे मिर्चों के बाद अब मसाले जाएंगे, हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद अब जाएंगे ये देखिए मसाले, और ये लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, आप चाहे जीरा पाउडर डाल दीजिए ऊपर से। और उसके बाद मैंने देखिए जीरा पाउडर डाला ना, और लाल मिर्च पाउडर डाला कुटी हुई घर की ही लाल मिर्च। उसके बाद जीरा पाउडर, अब जाएंगे जो कि देखने में खूबसूरत लगते हैं टिक्की चाट। तो यहाँ पे देखिए मैं अब डाल रही हूँ अनारदाना, जो कि बहुत आम बात है, हर घरों में मिल जाते हैं लगभग मुझे लगता है। तो अगर कभी आपको अनारदाना हो तो टिक्की ज़रूर बनाइएगा, अगर नहीं है तो क्या हुआ यार, हम अनारदाना का तो बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाले। तो देखिए हमने अनारदाना भर के डाल दिया, उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया है दही। और अगर आपके पास सेव है, इसमें नमकीन नहीं डाले जाते, वही सेव वाली नमकीन डाली जाती है, जो कि मेरे पास नहीं है इस टाइम। तो दालमोट ये वो नमकीन नहीं डाले जाते, इस पर सेव वाली नमकीन डाले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर सेव वाली नमकीन डालेंगे तो इसकी खूबसूरती भी चली जाएगी। तो वैसे तो थी नहीं, अगर कोई दूसरी वाली डाल देते तो खूबसूरती इसकी चली जाती। तो दोस्तों आपके पास कोई भी नमकीन जो पसंद हो आपको तो वो डाल सकते हैं, वैसे सेव वाली नमकीन डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से दही डालकर और धनिया की पत्ती एक डेकोरेट कर दिया है। तो लीजिए अब खाना शुरू करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये टिक्की है, और यकीन मानिए मुझे तो लग ही नहीं रहा है। चलिए भाई तीनों यहीं रखे हैं, शुरू हो जाते हैं हम, और बुला लेते हैं उन लोग को भी जो खाने वाले हैं हमारे घर। तो पहले तो भाई मैं चेक करके बताऊँ आप सबको, बहुत ही टेस्टी है टिक्की, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। तो इसमें यही सब चीज़ जाते हैं, चार चांद लगा देते हैं। तो आलू तो घर पे सबके पाए जाएंगे इस टाइम, तो होते ही हैं, बहुत ही सस्ते तरीके से आप बना सकते हैं घर पे ही ये टिक्की चाट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक ठोकते ही जाना, वैसे तो लाइक कर ही दिए होंगे, तो सब्सक्राइब भी कर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और सब्सक्राइब करना कमेंट करना, थैंक यू।